बल्कि सब आ रहा है। मेरे पास अच्छा डायग्राम है तो मैं आपको थोड़ा वो दिखा देता हूँ। ये सिकर के बाकी के पार्ट हैं। कपाट कन्या मींस, कपाट मींस विंडो, उसमें कन्या होगी। ये आपका ओरिशन टेम्पल्स में आपको बहुत मिल जाएगा। एंड दिस इज गोकक्स या चंद्रशिला, एंड दिस इज अ भूमि शिखरा। ये पार्ट भूमि शिखरा कहलाता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसको अगर आप कभी गुजरात के मंदिर में जाएंगे तो इस चीज को आप जाला भी कहा जाता है। एम ए ढाकी की किताब है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदू टेम्पल, इसको उनने जाला डिस्क्राइब किया है। तो दीज आर दी तोरण। तोरण जब आप देखते हैं उसमें कई बार मकर बना होता है तो वो मकर तोरण कहलाता है। हम नोट कर हम कैसे आगे भी हम टोरन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो है ये बाहर नहीं है, जो बाहर उठाता है इसको। अगर आप राजस्थान की तरफ जाएंगे या नॉर्थ इंडिया में, इसको कीचक भी कहा जाता है। और दूसरा जो इसका आसान नाम है, इसको वजन भाड़े नहीं भी कहा जाता है। तो ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल है का दरवाजा है पार्वती टेम्पल का। तो आप देख सकते हैं ये आपका ऊपर का पार्ट हो गया ललाट बिम्ब। एंड दिस ये द्वारपाला है। एंड दिस इज मिथुन मिथुना, एंड दिस इज अ ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट कहलाता है, या आप इसको हिंदी में गना भी लिख सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। शुरुआत के मंदिर में ललाट बिम्ब के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो नहीं था। ये मिथुना है, माने कि लव कपल कह सकते हैं हम इनको। इनको जब बनाया जाता था तो इनका हमें संख्या नेम वर्णन मिलता है। ये पुरुष और प्रकृति का वर्णन है। तो मतलब यूनिवर्स या कोई भी क्रिएशन जो होती है वो पुरुष और प्रकृति के द्वारा होती है। और ये आप इसको मैंने बताया आपको ड्राफ्ट इंग्लिश में लिखते हैं या गना भी लिखते हैं। और ये कल्चर्स हमें मिलते हैं पहले टेम्पल्स में, गुप्ता टाइम्स में दरवाजे से। और ये जो टेम्पल है आपका 5th सेंचुरी का है, गुप्ता टाइम का। शुरुआत में मैंने आपको बताया था ललाट बिम इतना डेवलप नहीं था, तो आप इसमें देखेंगे ललाट बिम में कुछ नहीं बना हुआ है। और देन दिस इज डेवलपमेंट हियर। अगर हम नेक्स्ट टेम्पल देखते हैं जो डेवलपमेंट पे हैं, ये उड़ीसा का टेम्पल है मुक्तेश्वर। अगर आप कभी परू रामेश्वर टेम्पल के पास जाएंगे तो उसी से थोड़ा सा डिस्टेंस में, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है, तो मुक्तेश्वर टेम्पल है। ये टेम्पल मेरे फेवरेट में से एक है, क्योंकि मैं कलिंग में 3 3 साल रह चुका हूँ उड़ीसा में। तो ये वहाँ के टेम्पल में अगर आप ललाट बिम देखिए, देवी बनी हुई है,
और यहाँ पर फिर आप देखिए बनी हुई, और जो उसका जो परू रामेश्वर टेम्पल है वो शिव मंदिर है, शिव मंदिर, सॉरी मैं आपको दूसरा टेम्पल दिखा देता हूँ, ये है शिव मंदिर, यहाँ पर गणेश जी बने हुए हैं, तो आप पता कर सकते हैं ये शिव मान्यता का टेम्पल होगा। और इस जो टेम्पल की जो खासियत है, इसमें बहुत अच्छे कार्तिकेय बने हुए हैं, तो जब हम आगे कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे। एंड दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द पिलर, शुरुआत में पिलर के ये पार्ट थे, जैसे कि नीचे का छोर अमलक है, ऊपर का पार्ट इंग्लिश में लोटस कहलाता है, हिंदी में पद्म कहलाता है, और इसको भाड़ेनी कहा जाता है क्योंकि ये भार उठाता है, मैंने आपको बताया था। वैसे नीचे का एरिया आप स्तंभ आप सबको पता ही होगा, तो आगे जाके और डेवलप होता है, ये तमिलनाडु में पिलर्स जो है इनका वर्णन उनके शब्दों का ये नाम है। और ये मैंने आपको गना एक वर्ड बताया था, गना की आइडेंटिटी या आइकोनोग्राफी आप ऐसे देख सकते हैं, गना के हाथ में कई बार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इनको ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है इनको पहचाने की। तो ये हमारी स्लाइड की अभी लास्ट स्लाइड है, और एक थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, आप में से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप में से एनी कोई कुछ क्वेश्चन? सवाल पूछना चाहते हैं, कोई डिस्कशन या फिर कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। यस वेद राजपूत जी। हेलो, गुड इवनिंग सर, मैं रेनू बात कर रही हूँ। जी एक्चुअली सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि नागर शैली में और द्रविड़ शैली में ऐसी मतलब कि मंदिरों में ऐसा क्या डिफरेंस है जो एक में होता और दूसरे में नहीं होता। जैसे कि नागर नागर मंदिर में जहां तक मुझे लग रहा है कि गोपुरम जो है वो होता है और किसी में नहीं होता है, लेकिन मुझे अरे मेरी डिफरेंस बात, समझ में नहीं आ उसकी रहा है। आवाज नहीं आ रही ओके है, ओके, प्लीज सर मैं ये अनम्यूट योर जानना सेल्फ। चाह रही हूँ कि हाँ हेलो, जी, आप पूछ सकते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आप। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि द्रविड़ मंदिर में और नागर मंदिर में ऐसी क्या चीज है जो दोनों में से एक में होती है और दूसरे में नहीं होती है, ऐसा क्या डिफरेंस है उनमें? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शुरुआत में जो लिटरेचर है हमें थोड़ा वर्णन मिलता है, तो हाँ जी, हमें लिटरेचर के हिसाब से हम देखेंगे तो द्राविड़ शैली में गोपुरम होता है, हाँ नागराज टेम्पल में हमें गोपुरम नहीं मिलता है। और ओके, जो ऊपर का जो एरिया है वो अमलक कहलाता है नॉर्थ इंडियन टेम्पल में, हाँ और शुरुआत में हमें अमलक का कोई एविडेंस तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ कुछ टेम्पल्स में हमें साउथ इंडियन टेम्पल्स में कहते हैं कि ये अमलक है, लेकिन जो ऊपर का जो अमलक का एरिया है उसकी जगह हमें स्तूपी वर्ड मिलता है। हाँ तो ये मेनली है। और जो साउथ इंडियन जो टेम्पल्स हैं उनके जो शिखर होते हैं वो पिरामिड शेप में होते हैं, उनको हाँ वैमाना वैमान कहा जाता है। हाँ, विमान, ओके, VIMANA। और जो हाँ साउथ थैंक यू सर, साउथ इंडियन टेम्पल्स में हम उनको शिखर कहते हैं, वो हिमालय पर्वत की तरह दिखते हैं। हाँ ये शुकनास क्या होता है? शुकनास? हाँ, सुकनास जी। इसके बारे में अगर आप कभी पहाड़ों में जाएंगे या नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में जाएंगे तो आपको बहुत कम एविडेंसेस मिलते हैं इनके। तो मैं अगर टेम्पल का अगर आप नाग का हिस्सा देखें, ऊपर की तरफ कभी शेर बना होता है, ओरिसन टेम्पल्स में हमें आपको आगे बताऊंगा, तो हमें ओरिसन टेम्पल्स में सुपनास का कई एविडेंस मिलता है, तो उसे सुपनास कहा जाता है, नाग का हिस्सा माने कि सुपनास कहलाता है। हाँ
और एक्चुअली सर एक और चीज मैं बोलना चाह रही हूँ कि जैसे कि मुझे ना नोट्स बनाने की बहुत आदत है, तो आप जैसे कि मुझे लिंक हमें मिल रहे हैं, आप जो बता रहे हो हम वो भी देख रहे हैं वीडियोस भी, बट मैं चाह रही थी कि आप एक शॉर्ट में हमें नोट्स भी बना बना कर दे देते, जैसे कि या फिर हमें कुछ ऐसा शेयर करते जिससे हम इजिली नोट्स बना लेते, जी आपको कल से या फिर आप क्वेश्चन, आप आपको क्वेश्चंस, या फिर सर आप ऐसे कर सकते हैं कि हमें क्वेश्चंस आप शेयर कर सकते हैं, हम उनके आंसर ही ढूंढने की ट्राई कर सकते हैं, नोट्स मतलब खुद से बनाने की ट्राई। मिल जाएंगे, और कल से आपको वीडियो का रिकॉर्डिंग लिंक भी मिलेगा जो 24 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा, तो आप वापस वीडियो ओके से रिलेटेड जो चीजें वापस उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको हाँ हाँ जो सर मेरे एक क्वेश्चन कर सकते रिलेटेड होगा वो आपको मिल जाएगा। ओके थैंक यू सर। और हम आपको हिंदी में बुक भी शेयर करने वाले हैं, और लाइब्रेरी नोट्स, लाइब्रेरी के हिंदी के जो रिसर्च पेपर है वो भी शेयर करेंगे, तो आप ओके सर सिंपल क्वेरी उससे आराम से पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके थैंक यू सर। वेद जी आप, वेद प्रकाश जी आप, हेलो। हाँ जी सर, अभी आप उड़ीसा और कलिंग क्षेत्र के कुछ मंदिरों की फोटोज दिखाए थे, उसमें सर एक जो भारवाहक हमको नजर आता है, वो जो भारवाहक है सर एक्चुअली उसको देने का उद्देश्य क्या रहता है? क्योंकि वो तो एक मूर्ति के रूप में देते हैं, लेकिन उसका कुछ सिग्निफिकेंस या उसका कुछ मीनफुल चीजें निकलती होंगी उससे, तो एक्चुअली वो भारवाहक क्या प्रति क्या शो करता है सर हमको, मैं ये जानना चाह रहा था। ओके देखिए, तो भारणी भी कहा जाता है कि वैसे कहानी तो हमें लिटरेरी एविडेंस नहीं मिलती है, हम कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन रामायण में इसका वर्णन आता है कि ये एक राक्षस होता है जो वजन उठाता है, तो हमारे पास इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, तो कई लोग कहते हैं कि इसका मतलब एविडेंस या बनाना शुरू वहीं से हुआ है, तो हम प्रमाण टेम्पल देखेंगे आगे राजा भोज के भोजपुर टेम्पल में, तो इस कहानी का वर्णन हमें वहीं पर मिलता है। हेलो सर, मैं नितिन बात कर रहा हूँ। हेलो जी सर, सर मुझे एक पूछना था, कल आप हम लोगों ने पढ़ा था ये वास्तु पुरुष जो होता है, तो उसका एक स्केच आपने दिखाया था जिसमें मंडल था और उसमें ब्रह्म विथि मानव विथि और पिशाच, हाँ ब्रह्म पद मानव पद और पिशाच पद दिखाया गया था, तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो एलिमेंट आज जो टेंपल एलिमेंट अपन लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो टेंपल में जो भगवान रहते हैं तो वो एक्चुअल में ब्रह्म पथ पे रहते हैं क्या, मतलब ब्रह्म पथ पे भगवान का ये शिखर रहता है क्या? अच्छा मैं आपको इसका इजी मतलब बता देता हूँ, वो ब्रह्म स्थान भी कहलाता है, मींस मूर्ति वहीं पर विराजमान होगी, और मंदिर बनाने से पहले इसको बनाया जाता है रफली, okay. उसके बाद मंदिर बनाया जाता है, और मूर्ति पहले ही रखी जाती है, हम लोग सोचते हैं कि मूर्ति बाद में रखी जाती है, लेकिन मूर्ति पहले ही रख दी जाती है, और अंत में अमलक लगाया जाता है, तो आपने कई मंदिरों के बारे में सुना होगा कि वो ऊपर से बनना शुरू हुए हैं। जी जी जी, कहीं अगर अगर आप आगे हम आपको पढ़ाएंगे कैलाश, कैलाश कैलाश मंदिर जैसा जिंटक, ठीक तो, सर दूसरा दूसरा क्वेश्चन ऐसा था मेरा कि भाई अगर ब्रह्म में ही वो शिखर रहता है, तो सामने जितना अपन को मंदिर का जगह दिखता है उतना ही जगह उसके पीछे रहता है क्या? देखिए अलग अलग लिटरेचर के हिसाब से डिस्टेंस एंगल चेंज हुए हैं, मैंने आपको दिखाया भी अंत में, अर्थशास्त्र के हिसाब से एंगल अलग है, मेरा हाथ अलग साइज का, आपका हाथ अलग साइज का, तो जिस ऋषि मुनि ने किताब से लिखा उस हिसाब से उसने ये टेम्पल उस दूरी पर होगा, ये अलग दूरी पर होगा, तो आप एक टेम्पल है चतुर्भुज सॉरी पंच पंच आयतन टेम्पल्स होते हैं, तो उसमें चार दिशाओं में टेम्पल्स होते हैं, मेन में एक मेन मंदिर होगा, तो उस हिसाब से वर्णन होता है कि पांच टेम्पल कहाँ कहाँ बने, वही सेंटर में होगा। जी जी थैंक यू सर, वही सेंटर में होगा। जी जी थैंक यू। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन आप में से और कोई क्वेश्चन? जी 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 आपकी साउंड नहीं आ रही। हेलो हेलो, यस मिथुन आकृतियां क्या दर्शाती हैं? जी तो ये साउंड में प्रॉब्लम आ रही है आपकी। हेलो हेलो, यस
सर मैं पूछना चाहती हूँ ये मंदिरों पे जो मिथुन आकृतियाँ होती हैं ये किस चीज का द्योतक होती है, क्या दर्शाती हैं ये? अच्छा मैं ठीक है, मैं मिथुन आकृति इनको लव कपल भी कहा जाता है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा वर्णन मिलता है कि जब आप चिड़ियाओं के बारे में बनाते हैं या फ्लावर्स के बारे में बनाते हैं तो टेम्पल्स में मतलब इनका सिंबॉलिज्म है कॉस्मोस से, लेकिन अगर जो हमें इसका जो खास वर्णन मिलता है इनका मिलता है कि हमें संख्या नाम का एक फिलॉसफी है इंडियन फिलॉसफी में, आपने पढ़ा होगा अगर आप इंडियन फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तो हम मानते हैं कि पूरी जो दुनिया का जो निर्माण है वो लॉर्ड शिवा ने किया था जब वो पार्वती के साथ मिल गए थे, तो इट इज अ सिंबॉलिज्म बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, तो पुरुष और जब प्रकृति मिलती है तब जाके पूरी यूनिवर्स या पूरी ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है, तो ये इस चीज का सिंबल है, ऐसा हमें लिटरेचर में मिलता है। और अगर आप कुछ और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर इसको रिपीट कीजिएगा सर, थोड़ा सा और डिस्कशन। अच्छा तो मैं आपको, वैसे तो मैं आपको एक लिंक भी शेयर कर दूंगा इससे रिलेटेड, संख्या एक फिलॉसफी है इंडियन संख्या, संख्या फिलॉसफी के हिसाब से पुरुष और जब प्रकृति मिलते हैं तब एक क्रिएशन होता है, निर्माण होता है, जिसका आप कोई भी क्रिएशन ले सकते हैं या ब्रह्मांड का या यूनिवर्स का, शिव और प्रकृति, जैसे कि माना जाता है कि शिव और पार्वती जब मिले थे तब यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, या विष्णु मान्यता के हिसाब से मानते हैं कि जब विष्णु जी तब लक्ष्मी जी ने उनको जगाया और बोला कि जगो ब्रह्मांड का निर्माण करो, तो उसने हमें विष्णु जी और लक्ष्मी का मिला जुला रूप भी नजर आता है, तब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, तो इट इज अ क्रिएशन ऑफ या बॉर्न ऑफ यूनिवर्स ऑफ क्रिएशन, तो ये मिथुना का सिंबल है। और भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हेलो सर। हेलो सर। यस सर, जब ये खजुराहो में मिथुन आकृति होती है तो ये बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे नजर आती है, तो उसका कोई स्पेसिफिक कारण? जी आपका जो सवाल है बड़ा अच्छा है, इसकी मैं तीन चार चीजें आपको बता देता हूँ जो प्रमुख चीजें हैं जो खजुराहो टेम्पल्स में जाके लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। आपने कहा यहाँ पर कल्चर मिथुना आर्किटेक्चर में बहुत है, इंग्लिश में हम एरोटिक कल्चर कहते हैं। एलर्स कैम्ब्रिज की जो किताब है हिंदू टेम्पल, उनमें दिखाते हैं कि उसमें वो बताती है कि एरोटिक आर्किटेक्चर या मिथुना के बारे में खजुराहो टेम्पल्स में बहुत कम वर्णन है, माने कि 2% ही वर्णन है, बाकी जितने स्कल्चर हैं वो बड़े छोटे छोटे हैं, तो हम छोटे स्कल्चर पर ध्यान नहीं देते, हम बड़े स्कल्चर पर ध्यान देते हैं कि बड़े स्कल्चर में एरोटिक है मिथुना है, तो उस टाइम कहते हैं कि मतलब कुछ लोग मानते हैं कि अप्सराएं जो हैं जब क्या कहते हैं बिजली का रखती थी तो उनसे बचाने में मदद करती थी, तो सॉइल में बिजली आपकी गायब हो जाती है तो जब पत्थर से, तो इसलिए माना जाता है। लेकिन जो उसका मेन जो है, अगर आपने एक किताब है उस पीरियड में बहुत फेमस हो चुकी थी कामसूत्र, कामसूत्र के बारे में लोग किताबों के बारे में बहुत कम जानते हैं, लोग कहते हैं कि ये प्यार के बारे में है, लेकिन उसमें प्यार के बारे में केवल 2% वर्णन है और बाकी सारा सिविलाइजेशन या टाउन को कैसा रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, तो वही हमें मंदिर कला में दिखता है खजुराहो के टेम्पल्स में। खजुराहो टेम्पल्स के बारे में अगर आप स्टेलस कैनवेज की किताब पढ़े तो हमें कर्म कांड के बारे में एविडेंस मिलता है, धर्मा के बारे में एविडेंस मिलता है, अर्थ या बेल्ट सिस्टम के बारे में एविडेंस मिलता है, और एजुकेशन सिस्टम, और एक और एविडेंसेस है हमें इंडियन लिटरेचर का एविडेंसेस भी मिलता है हमें, तो और जो खास टेम्पल है उसके जो नीचे के जो छोर है और जो उनका किला है, हमें वहाँ के वॉर के एविडेंसेस भी मिलते हैं कि वॉर में कौन कौन सी लड़ाइयाँ होती थी। और एक बड़ी अच्छी खासियत है, अभी आप मतलब कभी देख सकते हैं खजुराहो टेम्पल जाइए या राजस्थान के टेम्पल्स, तो वहाँ पर खजुराहो की जितनी जो लड़कियाँ हैं जो छोटी छोटी इमेज में हैं वो तलवार पकड़ के खड़ी हुई हैं,
तो एक तरह से आप कह सकते हो वो वॉरियर भी थी। तो आपका कुछ और क्वेश्चन है? हेलो जी, गुड इवनिंग सर। सर मुझे दो क्वेश्चन है मेरे, आर यू एबल टू लिसन मी? यस यस। सर आई वांट टू आस्क कि ये जो आपने बताया कि मंदिरों में जो भारवाहक है ही वाज मतलब अ डेविल, तो टेंपल में डेविल एक्शंस कैसे ये? हाँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंग्लिश में तो डेविल कह सकते हैं, बट हिंदी में इसको सॉरी वेट वेट प्रतियक या के हिसाब से उसका असुर या राक्षस कहा जाता है। तो असुर में डिफरेंस ये होता है कि असुर जो होते हैं आपसे राक्षस जो होते हैं धरती के अंदर रहते हैं, और जो असुर जो होते हैं धरती के बाहर रहते हैं। तो एक बार मतलब राक्षस को बड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कभी कभार मंदिरों में। तो जैसे कि आपने वास्तु पुरुष मंडल में जो पुरुष होता है तो वो भी एक राक्षस का रूप होता है, लेकिन वो आगे जाके एक देवता बन जाता है। या कभी आपने कीर्ति मुख देखा होगा मंदिर में, वो भी एक राक्षस का रूप है। तो मंदिर को कभी नजर ना लगे तो इन राक्षसों की फोटो, इन राक्षसों का इमेज लगाया जाता है, ऐसा कुछ ऑथर्स का मानना है। वरना तो असुर और राक्षस का जो डिफरेंस है हमें बहुत कम हमें डेविल या डेविल का वर्णन तो कम मिलता है हमें इंडियन लिटरेचर में। हम इनको दिव्य ही कह सकते हैं। तो सर, मतलब क्या आप इसको देख सकते हैं कि प्रोटेक्टर इविल आई कंसीडर कर सकते हैं? हाँ प्रोटेक्टर कह सकते हैं। तो कभी आपने अगर वास्तु पुरुष भी देखा हो? यस सर जी। कभी आपने कभी वास्तु पुरुष देखा हो तो मैंने कल बताया था उसकी एक दिशा पर 12 असुर बैठते हैं। 12 असुर बैठते मीन्स उसमें भी असुर भगवान के साथ असुर भी है। तो ये बहुत मिला जुला रूप है सर। तो क्या इसको इक्वल एग्जिस्टेंस का मतलब साइन माना जा सकता है क्या? हाँ, इसको इक्वल एग्जिस्टेंस का ही सिंबोलिज्म माना जाता है। और कई लिटरेचर कई ऑथर्स तो कहते हैं कि नहीं ये इक्वल सिंबोलिज्म नहीं है, लेकिन अगर हम ओल्ड लिटरेचर देखें तो हम इसको इक्वल मानते हैं। बस असुर असुर देवताओं का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कहते हैं असुर को आत्मा का ज्ञान नहीं होता और जो देवताओं को आत्मा का ज्ञान होता है, ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंस बताया जाता है उपनिषद में। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। यस सर। सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि जो आपने बताया जगती जो है वो अपर प्लेटफॉर्म, तो जनरली जो गर्भगृह होता है वो तो लेवर मतलब लोअर फ्लोर प्लेटफॉर्म में ही रहता है, ग्राउंड फ्लोर में। तो इसका क्या पर्पस रहता था जगती बनाने का फिर? देखिए शुरुआत में तो जगती थी नहीं, हम लेटर ऑन आपको गुप्ता टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जगती बनाई नहीं जाती थी शुरुआत में, केवल अधिष्ठान होता था। yes, जगती क्यों बनाई गई मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप कभी घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मंदिर दूर से नजर आ जाता है, तो yes, वो एक रेस प्लेटफॉर्म पर बनता है, इसलिए तो उसमें जगती बनाई जाती है। तो घर से आपको दूर से नजर आ जाए या कोई स्थान आपको दूर से ही नजर आ जाए, या मतलब आपका घर का लेवल से उसका ऊपर का द्वार हो, मतलब घर के लेवल से थोड़ा बड़ा हो, तो जगती बनाना शुरू करते हैं। तो शुरुआत सर, तो क्या इसको मान सकते हैं कि गुप्ता पीरियड से ही शुरू हुआ या उसके पहले? नहीं, उससे पहले तो नहीं था। उससे पहले के टेंपल्स में आपको बताऊंगा, प्री गुप्त नेक्स्ट चैप्टर उन्हीं पर है। तो पहले जो गुप्ता टेंपल्स थे उनमें जगती तो नहीं थी, लेकिन सेकंड जो स्टेज थी जो गुप्ता की उसमें जगती आ गई थी। तो केवल हमें ऐसे गुप्ता टेंपल्स में ही एविडेंस मिलता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी। हेलो। हाँ जी सर, ये नागर शैली और द्रविड शैली का कौन से डायनेस्टी से कंप्लीट एविडेंस मिलने लगा है? अच्छा, नागर शैली का जो पहला एविडेंस है वो हमें गुप्ता टेंपल से मिलता है। यस। ओके, और जो द्रविड शैली का भी हमें एविडेंस
गुप्ता टेम्पल से ही मिलता है, लेकिन अगर हम सबसे बेस्ट डेवलपमेंट माने तो पाला और चोला के टाइम से मिलता है। और एक तो, लोमहर्ष ऋषि का जो कैब का वो आर्क है वो बना हुआ सर, तो वो क्या मंदिर का शुरुआत का वो वर्णन करता है क्या? हाँ, लेकिन वो हिंदू टेम्पल नहीं था, वो आजीविका टेम्पल था, राजा अशोक के मॉडर्न टाइम में बना था। वो तो टेम्पल है नहीं, एक्चुअली वो था, वो पूजा करने का घर था, लेकिन उसमें ऋषि मुनियों का रहने का नहीं, वो ऐसे ऋषि मुनियों का स्टाइल रहने का एरिया था कहा जाता है मतलब। और कुछ इंस्क्रिप्शन में मतलब कुछ देवी स्थान भी मिले, दिव्य स्थान भी मिले वहां पर, लेकिन वो मंदिर तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां से कह सकते हैं कि आप जो गोकक्ष जो सिंबोलिज्म है, गोकक्ष जो चैत्य आर्च है, वो वहां से बनना शुरू हो गया था। आप फर्स्ट रॉककट केव टेम्पल कह सकते, रॉककट आर्किटेक्चर कह सकते हैं क्लासिकल मतलब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, वरना तो अर्लिएस्ट रॉककट आर्किटेक्चर हमें धोलावीरा में मिल जाता है, हरप्पन साइट में। अगर मैं आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, हरप्पन साइट में एक नहाने का एरिया मिला है जो मोहन जोदाड़ो के ग्रेट बाट से मिलता जुलता है, और मोहन जोदाड़ो का जो ग्रेट बाट है और जो धोलावीरा का ग्रेट बाट है, धोलावीरा का ग्रेट बाट मोहन जोदाड़ो की ग्रेट बाट से ज़्यादा बड़ा है। और इसको फाउंड किया था डॉक्टर आर एस बिस्ट एंड डॉक्टर अस्थाना जी ने। इनका डायग्राम दिलीप चक्रवर्ती की किताब में दिया हुआ है, आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया। और कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सर। एक क्वेश्चन सर, एक मैं पूछना चाहता हूं, पुराने जो टेंपल आर्किटेक्चर मिलते हैं हम लोग को इंडिया में, तो सबसे पुराना सर जो वो कौन सा था, और क्या मौर्य काल से ही बनना चालू हो गया था टेंपल, या इसके संबंध में बताइए सर, प्राचीनता के संबंध। ठीक है, वैसे तो आगे भी चैप्टर है, मैं आपको टेम्पल बता देता हूँ तेलंगाना में है। तो सबसे पहले तो अगर इंडियन हिस्ट्री देखिए तो आपने क्लासिकल हमारी एकेडमिक हिस्ट्री कहती है कि मौर्य काल से हमें टेम्पल्स मिलते हैं, लेकिन अगर हम आर्कियोलॉजी के हिसाब से देखें तो हमें एक 3rd century BC का हमें एक टेम्पल मिलता है आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से। ये ओपन एयर टेम्पल है, शिवलिंग का साइड से मेरे नाम तो याद नहीं आ रहा, इट इज मेरे ख्याल से गोडी मिलन शिवलिंग कहते हैं। और ये बड़ी हैरानी की बात है, ये मुख्य शिवलिंग से मिलती जुलती है। तो गुप्त टेम्पल में अगर आप मुख्य शिवलिंग देखिए तो उसी से मिलती जुलती शिवलिंग मिलती है। फिर हमें मौर्य में भी थोड़ा एविडेंस मिलता है, लेकिन वो बुद्धिज्म स्टाइल के टेम्पल्स हैं। और फिर हमें सुंग में विदिशा एक नाम की साइट है, वहाँ पर विदिशा सुंग काल का टेम्पल मिलता है। वो हिंदू टेम्पल जो आज बनते हैं उनसे बड़े अलग है, उनको अपसाइडल टेम्पल कह सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपको पहली स्लाइड में टेम्पल दिखाए थे, मथुरा में एक साइट है टोंक नाम की, वो 2nd century BC का टेम्पल है। और भी नागर अर्जुन कोंडा में भी एक साइट है, उन सब के बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, आप बाकी सवाल भी पूछ सकते हैं। सर मैं पूछना चाहती हूँ, जो कणा के बारे में बताया था, तो मुझे पूछना था कि क्या वो स्ट्रक्चरली भी उसका कोई यूसेज होता है, कि वो एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट होता है? गणा का जो हमें गुप्त टाइम में ही हमें एविडेंस मिलता है, गणा का जो गाने म्यूजिक से बहुत बड़ा रिलेशन है, तो हमें इसके बारे में ज्यादा तो मिलता तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना है जैसे कि गणा, अगर आप वेदों के बारे में पढ़े उपवेद के बारे में, तो गंधर्व वेद एक किताब है जो म्यूजिक के बारे में है। और हम आगे देखते हैं गण जो है, गणा का तो चित्रण नहीं हट जाता है और गंधर्ववाद आ जाते हैं, तो गंधर्ववाद और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बहुत बड़ा चित्रण है, चित्रण मिलता है। और बेसिकली ये हमारा मानना है डेकोरेशन के लिए ही यूज हो रहा था। सर और मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि नॉर्थ इंडियन और मतलब नगारा और द्रविड़ा और वेसारा, इसमें कोई ऐसे खास मटेरियल का डिफरेंस है जो टेंपल का मटेरियल जो यूज किया गया है, तो उसका मतलब कौन से टाइप का स्टोन है, या फिर ज्वाइनरी में कुछ
डिफरेंस है जो मेजरली हम उस मतलब उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ओके, देखिए ये सवाल तो अगर आप उस जगह की साइट के हिसाब से देखेंगे तो बदल जाता है। तो जैसे कि अगर आप साउथ इंडियन टेम्पल्स जाएंगे तो वहाँ पर कुछ कुछ टेम्पल्स में ग्रेनाइट का यूज़ है, तो मैं कह सकता हूँ कि द्रविड़ टेम्पल में ग्रेनाइट का यूज़ है, लेकिन बाकी टेम्पल्स में तो नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि कोई एविडेंस नहीं है। नागरा टेम्पल में सैंडस्टोन का यूज़ है, तो ज्योग्राफी के हिसाब से स्टोन मटेरियल चेंज हो जाता है। तो जो जहाँ पर पत्थर मिलेगा उसी हिसाब से वो बनाएंगे। सर, पर मैं एक लास्ट चीज एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या आप आज के लेक्चर में या फिर अगर पॉसिबल है तो कल के लेक्चर में एक जैसे कि ट्री डायग्राम हमें पहले एक एज अ रिविजन बता सकते हैं कि जो टाइमलाइंस है और डायनेस्टीज है तो उसके हिसाब से फिर मतलब समझना और आसान हो जाएगा। वो चैप्टर में ही है, कल के चैप्टर में मुझे वही पढ़ाना है, तो मैं वहीं से, मैंने आपको एक बार बैकग्राउंड में बता भी दिया था कि थर्ड चैप्टर में मैं टेंपल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मंदिर कैसे बनना शुरू हुए, रॉक कट आर्किटेक्चर का क्या एवोल्यूशन था, दरवाजे कैसे बने, या कौन कौन सी शिवलिंग का इस्तेमाल हुआ, या क्या क्या वर्णन है इतिहास में। सर, जैसे कि मैं बताना चाहती थी कि कौन से डायनेस्टीज और कौन से टाइम पे आ रहे हैं, वैसा आप एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे तो जब भी आप बताते हैं कि गुप्ता पीरियड या चोला पीरियड तो एक बार हमें समझना आसान हो जाए। हाँ, वो थर्ड चैप्टर में मैंने बताया, थर्ड जो हमारी कल की प्रेजेंटेशन है वो अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सर। ओके, एक्सक्यूज मी सर, नेक्स्ट क्लास के लिए एक चीज था सर कि अगर जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन जब हो रहा था तो उसमें सर जो बेस या जो न्यू डलती थी उसकी, उसके संबंध में मैं आर्किटेक्चर भी उसको जानना चाह रहा। मतलब आपका सवाल मैं समझा नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा था सर, अगर जब मंदिर बनना चालू हुए तो स्टार्टिंग फेज में और अभी तक, क्योंकि वो लोग 1000-2000 साल तक वैसे ही खड़े हैं अभी तक, तो उनका जो जो निर्माण पद्धति कैसे बनता था इस बारे में जानना चाहूंगा। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वो इतने सालों से खड़े कैसे हैं और उनका फाउंडेशन क्या था जिसकी वजह से आज तक वो गिरे नहीं है। तो एक आप वर्ड लिख लीजिए आज तक उसका, मतलब उस वर्ड का जो जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है या इंडियन प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत गलत है, तो आप लिख सकते हैं, तो कहते हैं इंग्लिश बाउंडिंग। जी, इंग्लिश बाउंडिंग, इंग्लिश बाउंड कहा जाता है, और इसका जो सही जो वर्ड है इंडियन बाउंड या हड़प्पन बाउंड इसको कहना चाहिए, क्योंकि फॉरनर्स ने जब इसको देखा था तो उन्होंने कहा ये तो हमारे बनाने का इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि आप इस तरह से मूव नहीं करते, तो ग्रेविटी और बैलेंस का इसने सिंबल का इसको कहते हैं हम इंग्लिश में इंटरलॉकिंग टेक्निक। लेकिन हम ऑन कील का मंदिर को सपोर्ट करने के लिए, या आपको मैंने एक बताया था भाड़नी, तो हम मंदिर के ऊपर भाड़नी बना देते हैं तो उससे कहीं तरह कि वो कितने सालों तक खड़ा रहेगा, जैसे कि सैंडस्टोन होगा, तो इसके बारे में एक वास्तु के हिसाब से निर्माण होता था, हर एक ब्रिक्स को नापा जाता था, इस साइंस को कहते हैं कि ब्रिक को छू के साउंड दे के नापा जाता है, एक एक फीमेल ब्रिक होती है, एक मेल ब्रिक होती है, उस हिसाब से आइडल बनाई जाती है, कौन सी ब्रिक आइडल बनाने के लिए मजबूत है कौन सी नहीं है, तो उस हिसाब से मंदिर। और अगर हम एक लिटरेचर है मनसा मानस लिटरेचर, उसमें हमें सीमेंट के बारे में वर्णन मिलता है, तो लाइम मोटार का भी यूज होता था, तो ये बहुत हमें बहुत कम टेम्पल्स में हमें मिला है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की एक टेम्पल में हमें लाइम मोटार का एविडेंस मिला है, और भी आप पूछ, अगर आपका कोई आखिरी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, मेरा एक कंफ्यूजन था सर,
सर जो साउथ इंडियन टेम्पल्स में नहीं होता है और उसके अलावा सर जो वहाँ के उसके अलावा सर जो मंदिर बनता है उसके सामने सर एक जो है कि फ्लैग होता है, एक ध्वज होता है, तो सर जो ध्वज बनता है उसके पीछे बनाने का कॉन्सेप्ट क्या था? बड़े बड़े टेम्पल से बेसिकली साउथ में ही बनाए गए, वैसे टेम्पल्स नॉर्थ में क्यों नहीं बने? और वो एक बड़े सर बाउंड्री वॉल के अंडर में होते हैं जबकि नॉर्थ में ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? ये है कि मेनली नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में थोड़ी जो हमें आज के लोग सवाल करते हैं कि ये टेम्पल्स क्यों नहीं मिलते हमें बड़े में, और यहाँ पर झंडा होता है साइड में, तो देखिए नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में झंडे का तो ध्वज कहते हैं, तो हर एक तो ये सबसे बड़ा झंडा है द्वारिका का, और साउथ इंडियन टेम्पल्स में नीचे लगाया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि एक ऊपर मेटल लगाया जाता है, तो मेटल की कनेक्टेड होती है, तो मेनली ये है। एक मिनट, जस्ट नेटवर्क प्रॉब्लम है। Oh, it has been connected. So इसकी प्रॉपर्टी, तो इस सिंबॉलिज्म के वजह से लगाया जाता है साउथ इंडियन टेम्पल्स में, और साउथ इंडियन टेम्पल्स में गोल्ड, साउथ इंडिया में गोल्ड बहुत अवेलेबल था। अगर आप कभी देखिए तो एंशिएंट हड़प्पन टाइम्स में गोल्ड कहते हैं साउथ से लाया जाता था, एविडेंसेस के तौर पे मिला है आर्कियोलॉजी में। और भी आप सवाल पूछ सकते हैं। शराब टैंक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? सेट टैंक जो बनता है मतलब साउथ टेंपल्स मिलते हैं। ओके ओके ओके, नहीं मिलते हैं। तो गंगा टेम्पल्स का भी कहते हैं, बट फिर उसके बाद टेम्पल्स में हमें टैंक दिखने लगे। तो राजस्थान के अगर कभी आप टेम्पल्स दिखाएंगे तो वहाँ पर आपको केवल वाटर टैंक मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, नदी की व्यवस्था नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है जी। हेलो, हाँ जी, हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मौर्य के टाइम्स में जो केव्स मिलती हैं उसमें हमें इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिलते हैं कि उसका पेट्रनाइजर कौन है या उसको पेट्रन कौन कर रहा है, पर ये जो इंस्क्रिप्शन एविडेंस है ये हमें टेम्पल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिलते हैं कि किसके किसने पेट्रनाइज करा है टेम्पल्स को, जबकि टेम्पल्स एक बहुत बड़ी संरचना है एज कम्पेयर टू केव्स, तो ऐसा क्यों होता है कि हमें वहां पे इंस्क्रिप्शनल एविडेंस नहीं मिलता? मैंने आपको एक केव पढ़ाया था लोमास सिटी, तो जब मंदिर जब बनता है लोमास सिटी, सॉरी वो मंदिर तो नहीं है लेकिन उससे वो जब बना था तो हमें उसमें इंस्क्रिप्शन मिलती है। लकीली कई ऑथर्स ने जो उनके ऊपर रिसर्च स्टडी करी है तो उसमें वर्णन है, कहते हैं लोमास सिसी का जो पहला जो स्थान है वहां पर एक पिया दासी नाम का वर्ड मिलता है। तो आपने से कई लोगों को पता होगा पिया दासी अशोक का नाम है। फिर एक और नाम मिलता है, नाम डिजास्टर समथिंग कुछ करके है, तो वो मॉडर्न किंग होता है आने वाले टाइम पर।